जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। प्रणाम। 93 में जी ब्लॉग भारत भ्रमण में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज जो है 15 तारीख, चौथा महीना 2024। मैं अभी उड़ीसा, ये बाधारक का ऐसा कुछ करके इलाका पड़ता है, अभी नाम मेंशन कर दूंगा। इधर अभी आगे सब डिटेल्स। मैं रात जहाँ रुका था, ये दो कमरे हैं, इस वाले कमरे में मैं रुका था। और रात यहाँ पे एक भैया लाए थे जो अपने पिछली वीडियो में देखा था। और ये मंदिर का नाम भी उड़िया भाषा में लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, लेकिन हाँ ये है कि शिव शंकर भगवान का मूर्ति है, शिवलिंग है, और हनुमान जी का है, तो राम जी भगवान का भी है, शिवलिंग है। तो ये इस मंदिर का दर्शन करा के और फिर यहाँ से मैं जो है भुवनेश्वर के लिए निकल रहा हूँ। तो आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। ये कुछ मंदिर का यूं नज़ारा है। हनुमान नंदी महाराज मंदिर के कुछ योजना है। हनुमान जी महाराज हमारे सामने बोर्ड पे लिखा है थैंक यू विजिट अगेन। तो म्युनिसिपैलिटी। तो दोस्तों मैं अभी हाईवे पे आ चुका हूँ। आपने अभी मंदिर जो देखा वहाँ पे रात रुक विश्राम किया था। जिला आप कह लीजिए, इलाका कह लीजिए, मैं यहीं पे आज उड़ीसा में रुका हुआ था और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ मंदिर से और हाईवे पे आ गया हूँ। मुश्किल से मुश्किल 200 मीटर की दूरी पे हाईवे है। अभी ये कंटिन्यू चलता हूँ यहाँ से भुवनेश्वर के लिए। चलिए आज का जर्नी ऐसे स्टार्ट करते हैं। भाई ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये, बधारक का, सॉरी बधारक नहीं, भाद्रक, भाद्रक बोलते हैं। दोस्तों ये देखो हाईवे के किनारे बहुत बड़ा ब्रिज है, आसपास कुछ कोई दुकान नहीं है, अकेला आपका भाई बैठा है। वहाँ भाद्रक में
शाम को जो अभी आया था तो वहाँ पे टमाटर ले लिया था खाने के लिए, तो फिर मंदिर में चला गया। भाई लोग ने खाना व्यवस्था कर दिया, तो कुछ जो टमाटर बचा था अब उसे लिया हूँ तो धो के खा रहा हूँ। ये देखो इधर पड़ा है, और यही खा के फिर यहाँ से निकलता हूँ। सुबह का 8:30 बजे अभी ये टाइम हो रहा है। धूप बहुत कड़क किया है, ये देख लो, इसीलिए मैं बैठा हूँ। दोस्तों अभी मैं जहाँ बैठ के टमाटर खा रहा था वहाँ से थोड़ा सा आगे आया, और यहाँ रास्ते में देखो एक जानवर का बॉडी, इधर जहाँ बाइक की ये गाड़ी आ रही है दबा पड़ा है। मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा वहाँ पे उठाने के लिए। मैं अपना इधर साइकिल खड़ा करके अभी जिधर मैं बैठ के टमाटर खा रहा था वहाँ से थोड़ा सा आगे आया, और एक कुत्ते का बॉडी मिला है। वापस मैं जा रहा हूँ उसको हटाने। ये देखो दोस्तों एकदम खराब हो चुका है। हटा दिया दोस्तों बॉडी को। लोग कभी हमारे साथ ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, क्या पता नहीं, छोड़ देंगे हमारी बॉडी को। चलिए हर हर महादेव। कितना खूबसूरत व्यूज है भाई। उड़ीसा में नदियों को बहुत बेहतर बनाने के लिए काम जारी है इनका। मुझे ये प्रदेश उड़ीसा बहुत अच्छा लगा, ज़्यादातर ये नेचर के प्रति ज़्यादा काम करते हैं और नॉर्मल ही तरीके से ज़िंदगी यहाँ पे ज़्यादा जीना चाहते हैं, फैशन में बहुत कम है। चप्पड़ पट्टियाँ तमाम चीज़ें ऐसे हैं, अभी भी यहाँ पे लकड़ियों पे खाना ही बनाया जाता है। और ये कौन सी नदी है, नाम तो नहीं दिया गया है इस पर। अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, 3 बजे मैं दूसरी टाइम अब ये दौड़ रहा हूँ अपना। देख रहे खूबसूरत व्यूज, हाईवे पे सनासन गाड़ियां आती जाती। आपका भाई इन ट्रकों का साथी बन गया है, ऐसे अब सफर में रोज ये ट्रक हमारे साथ चलते हैं, रुकते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, यहाँ तक कि कोई कोई बात भी कर लेता है। देखो बड़ी बड़ी बसें, 4 व्हीलर, देख रहे हो लोडिंग गाड़ियाँ। यहाँ पे देखो सोलर पैनल से चलने वाला कैमरा भी सेटअप किया गया है। ये देखो चंदी खोले बिल्ली पड़ा। बताइए एड्रेस कौन सा भैया? उड़ीसा जाजपुर डिस्ट्रिक्ट धर्मशाला ब्लॉक ब्राह्मणपुर।
ब्राह्मण पुल है ना, ये जो है नदी ब्राह्मण पुल है। अभी मैं जहाँ ठहरा हुआ था 3 बजे वहाँ से निकला हूँ, और अभी ये पहाड़ी इलाका आ गया है। यहाँ पे पहाड़ ज़्यादा दिखने को चांस है, और यहाँ से जो है भुवनेश्वर करीब 60-70 किलोमीटर लमसम पड़ेगा। आज नहीं, कल सुबह जो है वहाँ पे भुवनेश्वर में पहुँच जाऊँगा। ठीक भाई, धन्यवाद। दोस्तों जो है पहाड़ी इलाका आ गया है, देखो। तो दोस्तों मैं सुबह भद्रक लोकनाथ मंदिर से चल के, अभी मैं ये सेकंड जगन्नाथपुरी मंदिर बोला जाता है उड़ीसा के अंदर, और ये इलाका है छातिया जजपुर ये इलाका है, और यहीं पे सेकंड जगन्नाथपुरी मंदिर है। यहाँ पे पहुँचा हूँ, धर्मशाला में ठहरा हुआ हूँ, और फिर यहाँ से दर्शन करके अगले दिन निकलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हर हर महादेव।